हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पाव भाजी बनाने वाले हैं एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो लोगों की जनरली शिकायत आती है कि जो हमारे पाव भाजी है वो बाहर जैसी नहीं बनती है, तो मैं आपको पाव एकदम सॉफ्ट और भाजी जैसी हम बाहर खाते हैं एकदम वैसी बनाना सिखाऊंगी। तो ये सारे इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, आप पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सब्जियां बॉईल करेंगे। तो सब्जियां बॉईल करने से पहले यहाँ पे मैंने थोड़ा सा तड़का मारा है, जिसमें कुकर में तेल लिया है बहुत थोड़ा सा। जीरा डालने के बाद हमने इसमें पाव भाजी मसाला डाला है। तो पाव भाजी मसाला जब आप डालेंगे तो गैस को लो रखना है आपको, तो ये बिल्कुल भी जलने ना पाए। और तुरंत मिलाने के बाद इसमें हमने टमाटर डाल लिया था, बड़ा बड़ा काटा है क्योंकि ये सब हम बॉईल कर रहे हैं। उसके बाद फूल गोभी है जिसको मैंने अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद इसमें ऐड करेंगे। और यहाँ पे 2 मीडियम साइज के आलू लिए हैं जिनको रफली मैंने बड़ा बड़ा काटा था। और मैंने 1 गाजर ली है। उसके बाद फ्रेश मटर लिया है मैंने 1 कप। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप। अब मिक्स करते टाइम अगर आपको चाहिए तो इसमें आप बीटरूट भी ऐड कर सकते हैं कलर के लिए। फिर ये सब्जियाँ डालने के बाद हम एक बार इसको हाई फ्लेम पे 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। मैंने फिर सॉल्ट ऐड किया है इसमें थोड़ा सा, उसको भी मिक्स कर लेंगे आप अच्छे से। एंड जब एक बार अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो थोड़ी सी हल्दी ऐड करके इसको मिक्स कर देना है। अब बहुत ही थोड़ा सा पानी डालेंगे आप, क्योंकि पानी ऑलरेडी ये सब्जियाँ जब आप नमक डालते हो इनमें तो ये रिलीज़ करती हैं। तो मैंने आधा कप जैसा इसमें पानी डाला है। और अब कुकर बंद करने के बाद मीडियम फ्लेम पे इसमें 3 से 4 सीटी आपको लगानी है। तो जब तक हमारी सब्जियां बॉईल हो रही हैं तब तक मैंने एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल ऐड किया है यहाँ पे, और उसके बाद 3 से 4 क्यूब बटर के डाले हैं। तो आप तेल पहले डालना, नहीं तो बटर जल जाएगा। और ये लो फ्लेम पर ही करना आप। उसके बाद मैंने 2 बड़े प्याज बारीक कटे हुए लिए हैं यहाँ पे, उसको भी आप लो फ्लेम पे हल्का सा पका लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे शिमला मिर्च, यहाँ पे 2 मैंने शिमला मिर्च यूज़ किए हैं, इसको भी बारीक काट लिया था। तो जो शिमला मिर्च है वो आप बॉईल करते टाइम मत डालना, बिकॉज इसका एक पिक्यूलर सा टेस्ट होता है जो सारी सब्जियों में आ जाएगा फिर, इसलिए तड़के में डालेंगे। उसके बाद मैंने 2 हरी मिर्च ली है जिसको चॉप कर लिया था, और अदरक लहसुन का पेस्ट है यहाँ पे। इसको ऐड करने के बाद आप अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जो अदरक लहसुन का पेस्ट है ये आप पहले बटर में मत डालना, ये सब्जियाँ डालने के बाद ऊपर से ऐड करना। उसके बाद 2 बड़ी चम्मच मैंने यहाँ पे पाव भाजी लिया है, और ये लाल मिर्च और लहसुन का पेस्ट लिया है 1 चम्मच। कश्मीरी रेड चिली पाउडर लिया है 1/2 छोटी चम्मच, और स्वाद अनुसार नमक डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। तो यहाँ पे जो मैंने लाल मिर्च और लहसुन की चटनी ली है वो आप डालिएगा, उससे पाव भाजी का जो टेस्ट है हमारा वो जैसा बाहर आता है वैसा आएगा। और ये सब आप लो फ्लेम पे करना। उसके बाद मैंने थोड़ा सा पानी डाला है सो दैट हमारे मसाले जलेंगे नहीं, तो ये लो फ्लेम पे आप रखना। उसके बाद थोड़ा सा जो बारीक कटा हुआ धनिया है वो डाल लेंगे, उसको भी बहुत हल्का सा मिक्स कर लेना है आपको। और आप देख सकते हैं मसाला हमारा अच्छे से रेडी हो गया है। तो हमारी सब्जियां भी आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 से 4 सीटी के बाद बॉईल हो चुकी हैं। अगर आपको पानी इसमें ज़्यादा लगे तो आप साइड में निकाल लीजिए, नहीं तो मैंने इसी में ही मैश कर लिया है। तो आप मैशर से कर सकते हैं, या तो फिर अगर आपने अच्छे से बॉईल किया है तो वो चमचे से भी आप अगर उसको मैश करेंगे तो हो जाएगा। फिर मसाले में हम अपनी सारी सब्जियाँ ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। और जो ये मैश किया है मैंने इसमें पानी एडजस्ट कर लिया है आपको जितना डालना है, और बहुत थोड़ा सा फूड कलर ऐड किया है इसमें जो रेड फूड कलर होता है। उसके बाद आप देख सकते हैं हमारी भाजी एकदम कैसी जैसे बाहर मिलती है वैसी लग रही है। एक बार जब हमारी भाजी अच्छे से बॉईल हो जाएगी तो मैंने इसमें फ्रेश 1/2 कप मटर यूज़ किया है, और चॉप्ड हरी धनिया इसमें डाल दी है, और इसको भी अच्छे से मिला लेंगे और 5 मिनट तक ऐसे ही बॉईल होने देंगे। अब पानी ऐड करके इसकी कंसिस्टेंसी अपने हिसाब से मैच कर लें, एंड नमक मिर्च जो भी है टेस्ट के अकॉर्डिंगली आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए हमारी भाजी एकदम रेडी हो गई है। अब सर्व करने का मैं आपको प्रोसेस बताती हूँ। यहाँ पे मैंने बड़ा सा एक तवा लिया है, उसमें थोड़ा सा बटर ऐड करने के बाद बहुत थोड़ी सी प्याज चॉप की हुई और धनिया डालने के बाद इसको मैं मिला लूँगी। एंड उसके बाद बहुत थोड़ा सा पाव भाजी मसाला और ऊपर से मैंने ऐड किया है, इसको हम थोड़ा सा पका लेंगे जब तक हमारी प्याज ट्रांसल्यूसेंट नहीं हो जाएगी। मैंने थोड़ा और बटर ऐड किया है यहाँ पे,
तो ये जब आप सर्व करने जाएंगे ना, तो आप भाजी पहले बना के रख लीजिए, एंड जब आप सर्व करेंगे तब आप ये काम करना। जो मैंने भाजी बनाई थी वो मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है। अगर मतलब कई लोगों को यहाँ पे खड़ी पाव भाजी भी पसंद होती है, जिसमें सब्जियाँ मुँह में आती हैं खाते टाइम, अगर आपको वैसी चाहिए तो आप इसको ज़्यादा मत मैश करना, बट मुझे एकदम स्मूद और जो प्लेन पाव भाजी होती है वैसी पसंद है। तो मैंने यहाँ पे वापस से इसको मैश करने के बाद भाजी हमने एक बार जो निकाल लिया, उसमें तवे पे थोड़ी सी भाजी हम लगी रहने देंगे और थोड़ा सा बटर ऐड किया है। तो बटर जब हमारा अच्छे से एक बार मेल्ट हो जाएगा और भाजी में मिक्स हो जाएगा, उसके बाद मैंने ऊपर से थोड़ा और बटर डाला है एंड थोड़ी सी जो हरी धनिया है चॉप करके। ये काम हम कर रहे हैं पाव को कोट करने के लिए, जैसे हम बाहर खाते हैं वैसा। उसके बाद एक एक करके मैंने पाव को यहाँ पे मसाले में लगा लिया है, इससे एग्जैक्टली सेम टेस्ट आएगा और सॉफ्ट भी बहुत बनते हैं, भाजी वाला मसाला पाव में आ जाता है। तो ये जब गेस्ट आते हैं तो आप ये काम कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप घर पे नॉर्मली खा रहे हैं तो ये टोटली ऑप्शनल है, ये आप नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, बट इससे पाव बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। आप देख सकते हैं अच्छे से हमारे पाव यहाँ पे सिक चुके हैं। अगर आपको सॉफ्ट पाव पसंद हो तो थोड़ा सा सेकना, तो अगर आपको क्रिस्पी पाव पसंद है तो लो फ्लेम पे थोड़ा और पका लेंगे। अब देख सकते हैं हमारे पाव यहाँ पे अच्छे से पक चुके हैं। अब उसको साइड में निकालने के बाद हमने यहाँ पे भाजी सर्व की है ऊपर से, और उसमें हमने जितने भी पाव थे वो सारे मसाले में कोट करके हमने रख दिए हैं। और इसको सर्व करते टाइम आप ऊपर थोड़ा सा बटर डाल देंगे भाजी में, और हरी धनिया प्याज थोड़ा सा चॉप करके और नींबू के साथ इसको सर्व करेंगे, तो खाने में बहुत टेस्टी लगता है। सो आई होप यू गाइज लाइक माय रेसिपी, उसको प्लीज़ घर पे ट्राई करिए और बताइए कि ये कैसा बना है। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।